पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। जब से मैंने उस टीचर को देखा है मुझे कुछ भी याद नहीं। इस समय हम सबको सीरियसली पढ़ना चाहिए। तू फालतू की टेंशन ले रहा है यार, मेरी तो इस बार फर्स्ट डिवीजन ही आएगी। मुझे लगता है लीना, मुझे अपने पूज्य पिताश्री को बुलाना ही पड़ेगा, आखिर वो भी तो पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। मुझे टुमारो तुमसे 2000 रुपीज चाहिए। 2000 रुपए किस लिए? मेरा अपना इम्पोर्टेंट वर्क है। पेपर्स की एक रात पहले तुम सब लोगों को पैसे लेकर मेरे घर आना होगा। तो कोई खास बात? कुछ नहीं गौरव, मैं बच्चों को टिप्स दे रहा था। कहीं शर्मा सर इन्हें पेपर आउट तो नहीं करा रहे? तो मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे कुछ होता है। क्या होता है? पता नहीं मिस, लेकिन कुछ कुछ होता है। अब मैं क्या करूँ, इस बोतल से बाहर कैसे निकलूं? और अब आगे। वर्मा जी, ओ शर्मा जी, प्लीज सिट डाउन, बैठिए बैठिए। शर्मा जी एक बात है, आपको देखकर कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि शर्मा जी हमारे नाम ही कुछ ऐसे हैं, दोनों को मिलाकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शर्मा वर्मा एंड कंपनी। कुछ काम था? हाँ कुछ ऐसे समझ लीजिए। वर्मा जी वो क्या है कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स टेंशन में आ रहे हैं, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। अरे शर्मा जी, ये पेरेंट्स होने ही टेंशन है सबसे ज्यादा। अरे साहब, बच्चे ना हो तो टेंशन, बच्चे हो जाए तो टेंशन, और कुछ बड़े हो जाए तो उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढने की टेंशन, उससे बड़े हो जाए तो शादी की टेंशन, उससे बड़े हो जाए तो खैर जो भी हो, किसी के भी बच्चे, आप बताइए उनको क्या टेंशन है। तो फिर समझिए, बात यह है कि पिछले साल कुछ सब्जेक्ट से पेपर्स लीक हो गए थे और बच्चों के पेरेंट्स को यह टेंशन है कि कहीं इस साल के पेपर्स भी लीक ना हो जाएं। शर्मा जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार पेपर्स लीक होने का कोई भी चांस नहीं है, नेवर। आप जाइए और उन्हें समझा दीजिए और निश्चिंत कर दीजिए। आप ये इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं? शर्मा जी सिस्टम ही कुछ ऐसा है, इस बार पेपर्स हथियारबंद गार्ड्स की निगरानी में आएंगे और बड़ी एहतियात के साथ रखे जाएंगे। और एक बात और है, पेपर्स शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट पहले बंडल खोला जाएगा। अब बताइए पेपर्स कैसे लीक होंगे? वो तो है वर्मा जी, लेकिन यहां आने से बंडल खुलने के बीच में जो टाइम होगा उसमें? इस बीच का जो पीरियड है उसमें पेपर्स गोदाम में लॉक रहेंगे। वर्मा जी अगर गोदाम से पेपर चोरी हो गए तो? अजी मजाक थोड़ी है, बच्चों का खेल थोड़ी है, चोरी हो गए कैसे चोरी हो जाएंगे? उस गोदाम में 2-2 ताले रहेंगे और एक ताले की चाबी प्रिंसिपल साहिबा के पास रहेगी और दूसरे ताले की चाबी वाइस प्रिंसिपल साहब के पास रहेगी। और एक बात और है, जब दोनों ताले खुलेंगे ना तभी पेपर्स बाहर आएंगे। अब बताइए पेपर्स लीक होंगे तो कैसे?
तो शर्मा जी जाइए उन्हें समझा दीजिए कि निश्चिंत रहें और चैन की बंसी बजाकर सोएं। नहीं नहीं, थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन कम कर दी। ओके बाय। ओके बाय। वो देख मिस चावला। ओ नो, तू फिर शुरू हो गया। मोंटी, तुझे मैंने इतना समझाया, तेरी समझ में नहीं आया? मिस चावला का ना तो भूत उतार दे अपने सर से। अरे यार, तुम ही लोग तो कहते हो कि मैं मिस से माफी मांगू। ओ, तुझे माफी मांगनी है तो ठीक है। बिल्कुल, तुझे तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, जाता हूँ मैं। मैं जाऊँ क्या? जाना, सचमुच जाऊं? आपका लिख कर दूं? लिख कर दो भैया, जा। हाँ हाँ, मिस 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 ठीक है मिस, एक्सक्यूज मी मिस, मिस मिस मिस, ये क्या है मिस? ये आपके लिए मिस। पर ये है क्या मिस? ये एक लेटर है, मैंने ना इसमें सब कुछ लिख दिया है, मेरे जाने के बाद आप इसे पढ़ लीजिए। हाँ प्लीज। लिख दिया है? अरे क्या लिख दिया है इसमें? वही जो मैं आपसे कह नहीं सकता। यू इडियट, बदतमीज लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कल मैंने तुम्हें छोड़ क्या दिया, तुमने मुझे ये लव लेटर दिया है? मिस, नहीं मिस, ये लव लेटर नहीं है मिस। चलो प्लीज ऑफिस चलो। ओह माय गॉड, इसने कहा था माफी मांगूंगा, अब इसने कौन सा नया चक्कर चला दिया। चलो Please. अरे बच्चों, तुम्हें पता है इसने किया क्या है? इसने मुझे ये लव लेटर दिया है, अब तो इसको मैं लेके जाऊंगी प्रिंसिपल के पास। मिस, 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 नहीं मिस, मिस, हम दोनों इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हाँ मिस, हम प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मिस प्लीज, प्लीज मिस। ठीक है, आज तुम लोगों के कहने पे मैं इसे छोड़ देती हूँ, पर अगली बार ऐसी बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू मिस। अरे रेट पे मानचो, आपके पिताजी ने आपको अभी तक बाहर नहीं निकाला? वो आए नहीं। क्या वो आए नहीं? रेट पे मानचो, आपकी ये हालत देख के मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया लिंडा, तेरे को क्या है वो? रेट पे मानचो, मेरी माँ भी तो एक महान जादूगरनी है, मुझे यकीन है कि आपकी हालत देख के वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तो बुलाओ उनको, जल्दी से बुलाओ, फौरन बुलाओ उनको। मैं उन्हें फौरन नहीं बुला सकती ग्रेट फ्यूमांचो। क्यों लिंडा? क्योंकि वो इस लोक में नहीं बल्कि माया लोक में रहती है, और उन्हें बुलाने के लिए मुझे सिर्फ अमावस्या की रात को उनका आह्वान करना पड़ता है। तब तक यहीं बंद रहना पड़ेगा? मेरे पास एक आइडिया है ग्रेट फ्यूमांचो। इडियट, तेरे पास आइडिया क्या है बोल? आपको इस बोतल में बंद किया है अच्छाई की शक्तियों ने, इसलिए शैतानी शक्तियों की बजाय अच्छाई की शक्तियों से ही इसकी काट कराई जाए तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन वो अच्छाई की शक्ति आएगी कहां से इडियट? यहां से दूर सुमेध पर्वत पर एक अनादि ऋषि रहते हैं, सुना है कि वो काफी सिद्ध पुरुष हैं, बड़े महान हैं, काफी लोगों ने उनसे मदद ली है। अगर वो यहां आ जाए ना ग्रेट फ्यूमांचो, तो वो शायद आपकी मदद कर सकेंगे।
गो फौरन जा, फौरन जा, जा उसे बुला के ला। अच्छा मैं जाता हूं। ये पेपर आउट की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे ये तीनों यहाँ, लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। आज मैं इनकी बातें सुनकर ही रहूंगा। बहुत बड़ी, ओह गॉड, वो देखो गौरव आ रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हेलो, हाय गौरव। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो तूने पेन वेन खरीद लिया ना एग्जाम से, तो कौन सा खरीदा, अच्छा जेल वाला है ना। ये लोग इस तरह मुझे अपनी बातों में शामिल नहीं करेंगे, लगता है इनकी बातें सुनने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। ओके बाय 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 बाय। थैंक गॉड, अगर इसको कुछ भी पता चल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हेलमा की जादुई नगरी में मार्कोस ने जो गैजेट दिया था वो आज काम आएगा। मेरे डैडी ने तो कह दिया कि वो इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देंगे, पहले बताओ किस लिए चाहिए। अबे इडियट, शर्मा सर को देने के लिए। पेपर्स नहीं चाहिए क्या? मेरी मम्मी ने तो पापा से पैसे दिलवा दिए। गुड, मेरी मम्मी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शर्मा सर हमारे पैसे हड़प कर हमें पेपर ही ना दे। अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग उनको पैसे देंगे ही तब जब पेपर हमारे हाथ में होंगे। राहुल ये भी तो हो सकता है हमसे पैसे लेकर हमें जाली पेपर दे दे। कैसी बात कर रहा है तू यार, वो ऐसा भला क्यों करेंगे? पैसे कमाने के लिए और क्यों? डोंट बी सिली यार, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारे मॉम डैड उसको छोड़ेंगे क्या? तू मेरी मॉम को नहीं जानता, वो तो उसे कच्चा चबा जाएंगी। बाइट बाइट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने सर से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें पेपर दो दिन जल्दी दे दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो दे देते तो उनका क्या जाता यार? और क्या, हमारी थोड़ी सी तैयारी भी हो जाती। क्या पता उन्हें पेपर एक दिन पहले ही मिल रहे हो। हाँ ये भी हो सकता है। छोड़ो ना, कुछ भी करके हमको पेपर तो मिल जाएंगे ना, तो खुश रहो। अच्छा तो ये चक्कर है, शर्मा सर इन्हें पेपर्स आउट कर रहे हैं। ठीक है। ए मोंटी, ये गौरव कहाँ रह गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। हाय, हेलो एवरीबॉडी, हाय। हेलो हेलो। गौरव कहाँ थे अब तक तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे थे मगर तुम हमें नजर ही नहीं आए। मैं तो आज किसी को भी दिखाई नहीं दिया। मतलब तू नहीं समझेगा क्या? मैं नहीं समझूंगा, मैं क्या गधा हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं बंदर हूँ? ये तो तुझे ही पता होगा ना। सुनो सुनो, मेरे पास एक खास खबर है। क्या? शर्मा सर लड़कों से पैसे लेकर उनको पेपर आउट कर रहे हैं। सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं। अरे इडियट, मेरा मतलब सबको। तो ऐसा बोलना। गौरव मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। मुझे भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। मोंटी तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि शर्मा सर कितने पैसे लेकर पेपर आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद हमें अपने अपने घर से उतने पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए। मोंटी तुम्हारे ख्याल से ये ठीक है? बिल्कुल, बल्कि अगर हम तीनों साथ में जाएंगे ना तो शर्मा सर थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। हाँ हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ना। इसलिए बोलता हूँ सोचने से पहले ना बुजुर्गों की राय लिया कर। सॉरी बुजुर्ग जी, आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक आइडिया है, बोलूँ? हाँ हाँ बोलो बोलो। क्यों ना हम तीनों में से कोई एक जाकर शर्मा सर से पेपर लेके आए।
हम तीनों शेयर कर लेंगे, क्यों? अरे वाह, तुझ पे मेरा असर पड़ रहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मोंटी, तुझे शर्म आनी चाहिए। काहे की शर्म? अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी उसके साथ उसके गलत काम में शामिल हो। मोंटी, जरा सोच, जरा सोच, जो बच्चे पूरे साल मेहनत करे वो पीछे रह जाए, और जो बच्चे थोड़े से पैसे लेकर पेपर आउट करवा के अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, क्या ये सही है? क्या ये सही है मोंटी? बल्कि हमारा फर्ज बनता है कि हम गलत काम करने वाले को रोक दे। सॉरी सॉरी, वो ना मैं थोड़ा बहक गया था। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और शर्मा सर के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाते हैं। नहीं मोंटी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले हमें तब तक वेट करना होगा जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना आ जाए। पर ये ठोस सबूत आएंगे कब? जब शर्मा सर सचमुच किसी को पेपर दे दे। मगर तब हम क्या करेंगे? तब क्या करना है वो मैं तभी समझाऊंगा। बच्चों, आज आप लोगों के स्कूल का लास्ट डे है। मंडे से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद शुरू हो जाएंगी गर्मी की लंबी छुट्टियां। अच्छा, तो आप लोगों में से मुझे ये कौन बताएगा कि गर्मी की लंबी छुट्टियां किस लिए होती हैं? आप बताओ। मैं इस खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। ओके ओके, आप बताओ। जो अभी अभी सोनू ने कहा, खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। तो फिर आप क्यों हंस रहे थे? सब हंस रहे थे, इसलिए मैं भी हंसने लगा। ओके, सिट डाउन। हाँ बच्चों, आपने भी सही कहा और सोनू ने भी सही कहा, गर्मी की छुट्टियां होती हैं खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। लेकिन जानते हो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों के पीछे एक और मकसद होता है, वो ये कि गर्मियों की छुट्टियों में आपको वक्त मिलता है वो सब रिवाइज करने का जो आपने एक साल में सीखी है, जो आपने स्कूल में पढ़ाई की, जो आपको टीचर्स ने सिखाया। आप उन सब चीजों को रिवाइज करते हो और फिर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हो। क्या मिस, हम पूरे साल तो पढ़ते हैं, फिर गर्मियों की छुट्टियों में क्यों पढ़े? अच्छा, तो ये बात है। आप मुझे एक बात बताओ कि आप पूरे साल तो खाते पीते भी हो, खेलते कूदते भी हो और टीवी भी देखते हो, फिर गर्मियों की छुट्टियों में क्यों देखते हो? इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों कि क्योंकि आपको खेलना कूदना, खाना पीना, टीवी देखना अच्छा लगता है, ये आपके पसंदीदा काम है, इसलिए आप इन्हें गर्मियों की छुट्टियों में करना पसंद करते हो। लेकिन पढ़ाई, पढ़ाई करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ना नहीं चाहते। Am I right? जानते हो बच्चों, आपको पढ़ाई से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि पढ़ाई आप पे जबरदस्ती थोप दी गई है और जो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली। पर यह गलत बात है। आप लोगों ने जो आज सीखा है, आज जो स्कूल में सीखते हो, जो टीचर सिखाते हैं, कल को वही आपके काम आएगा। जिंदगी में मस्ती करना है, खुशियां पानी है, और खुशियां पाने के लिए कामयाब होना बहुत जरूरी होता है। कामयाबी किसी जादू टोने या शॉर्टकट से नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है उस चीज से जो आज आप स्कूल में सीखते हो, यही आपका फ्यूचर बनाता है। अब तो आपकी समझ में बात आई होगी ना? आई या नहीं? जी मिस। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप लोग छुट्टियों में सिर्फ खेलोगे कूदोगे नहीं, बल्कि पढ़ाई भी करोगे, कुछ सीखोगे भी। यस मिस। गुड। जानते हो बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। हम भी मिस करेंगे। सिर्फ एक को छोड़ के। एनीवेज बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू मिस। मिस चावला कितनी अच्छी है, हर चीज कितने प्यार से समझाती है। हाँ, मुझे तो आज हर बात समझ में आ गई कि इस छुट्टियों में खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ए मोटे, तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे छोड़ना है, मुझे तंग मत कर। अरे भाई मत बोलो इससे, इसे तो मिस चावला की वजह से टेंशन हो रही है ना। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। अगले साल जब हम दूसरी क्लास में चले जाएंगे ना, तब बेचारे की मुलाकात नहीं होगी मिस चावला से। बस इतनी सी बात,
इसका तो मेरे पास बहुत आसान सा हल है। क्या? अगर ये पेपर खराब दे दे और फेल हो जाए तो ये दोबारा उसी क्लास में आ जाएगा और मिस चावला तो उसे मिल ही जाएगी ना। प्लीज शैली, इसे इस तरह की राय मत दिया करो। अगर इसने सचमुच कर दिया ना तो इसके डैडी तुम्हें गोली मार देंगे। अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे ना तो मैं चले जाऊंगा। अरे हम लोग मजाक कहाँ उड़ा रहे, सच तो कह रहे। तू सच बता, सच सच बता, तुम मिस चावला के लिए उदास है ना? हाँ यार उदास तो हूँ। तो फिर? लेकिन इसलिए नहीं जिसलिए तुम लोग समझ रहे हो। किस लिए फिर? वो इसलिए कि मिस चावला ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तुम लोग ने सुना ना, मिस ने कहा कि मैं सबको मिस करूंगी सिवाय मेरे। ठीक कह रहा है, मिस चावला तुझसे बहुत नाराज है, लेकिन चिंता मत कर, अगले साल मिस चावला हमारे क्लास को पढ़ाने नहीं आने वाली है। तो क्या हुआ, अगले साल मैं मिस चावला से माफी मांग के रहूंगा, माफी मांग के रहूंगा मैं मिस चावला से। हाँ कितना जलते हैं लोग मुझसे। अरे भूत नहीं हम लोग हैं। मगर आप लोग तो भूत है ना। अरे भैया जरा पलट कर तो देखो, हम भूत नहीं है। हनुमान ज्ञान सागर से लोग। आप लोग तो भूत है ही नहीं, क्या चाहिए? तुम हमें पहचानते हो? नहीं साहब, हम तो यहाँ रात को आते हैं इसलिए हम किसी को नहीं पहचानते। कौन है आप? शुक्र है ये मुझे नहीं पहचानते, वरना बाद में ये पुलिस को या किसी और को मेरा नाम बता सकता था। ये तो कापे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी।